नहीं, खास करके मैं शेख अब्दुल गनी हुसैन और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल से हूँ। और मेरा जो जिम्मेदारी, मुझे हमारे जो जाजपुर MLA प्रणब प्रकाश दास बोबी भाई मुझे दिए हैं, वो रमना जो नया NEC बना हुआ है उसके लिए मुझे दायित्व दिए हैं। क्योंकि इलेक्शन का पहले मैं वहाँ का जो 15 साल से सरपंच रहा, जो 6 नंबर 7 नंबर अभी वार्ड बना हुआ है, 5 नंबर 1 नंबर, उस कैंडिडेट को बोबी भाई से बात करके, मतलब उसको ला कर BJD में शामिल करवाए हैं। और उस वजह से मुझे जो दायित्व दिया गया है रमना में, किस तरीके का हमारा BJD का चेयरमैन प्रार्थी और काउंसिलर लोग जीत के हम लोग नया NEC नया तरीके से नया रमना को सजाएंगे, उसके लिए मैं जितने भी मतलब कि मेहनत किया हूँ। और मैं चाह मतलब कि रमना वासी और लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि जो नवीन सरकार के जितने योजना के अंदर में काम हो रहा है, सारे लोग नवीन सरकार को और चेयरमैन प्रार्थी और काउंसिलर लोगों को संघ चिन्ह में दो दो वोट में मतलब कि वोट दिए हैं। और ख़ास करके मैं स्टेट से हूँ, जो बालेश्वर जिले के मैं रहने वाला हूँ। बालेश्वर जिला के जितने भी सारे NSM म्यूनसिपल्टी है, सारे मुसलमान भाई लोगों को और हिंदू भाई लोगों को अपील करूँगा कि जो 20 साल से जो नवीन पटनायक सरकार चल रही है और जितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस वजह से सारे लोग हमारे नवीन पटनायक और बोबी भाई के हाथ को मतलब के टान करने के लिए और BJD में संघ चिन्ह में वोट दें।